बैठो, आओ देखो क्या हो रहा किचन में। आ जाओ। अचार बनाने की विधि तैयार की जा रही है। अचार खाओगे परी? हमको भी गंध आ रहा है ना धनिया का, धनिया पाउडर का। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक सब मिक्स किया हुआ है। थोड़ी सी और हल्दी, और तुम बाथरूम में जाके बैठ गए। वाह, नमक मिक्स नहीं था, मिक्स किया गया अलग से। हमको लगा मसाला में मिक्स है। कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कब पकेगा तो फिर खाया जाएगा। आराम से स्लिप कर रहा है। फॉर्च्यून का तेल कच्ची घनी, स्वाद ही बढ़ जाता है। इस तेल का मैं ऐड तो नहीं कर रही हूँ, बट हाँ ये तेल बहुत अच्छा है, इससे स्वाद ही बढ़ जाता है। अचार के लिए ये तेल अच्छा है। देख रहे हो कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। सोच रही हूँ कि अचार का दुकान खोल लूँ हम और मम्मी मिलके। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि दुकान खोलूँ कि ना खोलूँ। होममेड अचार। सौंफ स्वाद अनुसार, अजवाइन भी एक चुटकी भर, अभी ये रेडी हो गया है धूप में रखने के लिए। कम से कम 5 या 6 दिन रखना होगा, पूरे दिन भर धूप में इसको धूप लगाना होगा। उसके बाद हम लोग जार में रख के तब धूप लगवाएंगे।